दोस्तों, किसी मुद्दे पर तर्क वितर्क करना, बहस करना, आर्गुमेंट करना, ये सब हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। पर क्या आप जानते हैं कि हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि सही ढंग से तर्क करना जानते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में, चर्चाओं में, अनजाने में बहुत तरह की गलतियां कर जाते हैं। पर आप घबराइए मत, ये गलतियां केवल आम लोग ही नहीं करते, बल्कि अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट्स भी आर्गुमेंट्स के दौरान इन गलतियों से नहीं बच पाते। और इसकी वजह है कि हम नेचुरली एक रैशनल क्रीचर नहीं है। लॉजिक एंड रीजनिंग को हमें सीखना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्विमिंग या साइकिलिंग सीखते हैं। जी हाँ, सही ढंग से तर्क करना, अपनी आर्गुमेंट्स को सही ढंग से फ्रेम करना और दूसरे की आर्गुमेंट्स में मौजूद फ्लॉज को आइडेंटिफाई करना भी एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से सीखना पड़ता है। जब किसी मुद्दे को लेकर हमारी किसी से सहमति नहीं बनती, तब हम भी और सामने वाला भी अपने पॉइंट को सही और लॉजिकल प्रूव करने के लिए अपने अपने आर्गुमेंट्स देते हैं। लेकिन ये आर्गुमेंट्स हमेशा सही नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ आर्गुमेंट्स सुनने में लॉजिकल लगती हैं, पर इन आर्गुमेंट्स में कहीं कोई ऐसी गड़बड़ी होती है जिस वजह से ये आर्गुमेंट्स लॉजिकली इनएक्यूरेट होती हैं। आर्गुमेंट्स में मौजूद इन गड़बड़ियों को लॉजिकल फैलसीज या हिंदी में कहें तो तर्क दोष कहते हैं। अब जैसे मेरी इस वीडियो पर आए कुछ कमेंट्स को देखिए। ये वीडियो मैंने एस्ट्रोलॉजी पर बनाई थी और तमाम लॉजिक एंड एविडेंसेस के जरिए ये समझाया था कि एस्ट्रोलॉजी कैसे एक सूडो साइंस है। कुछ लोगों ने, जिनको मेरी इस वीडियो से आपत्ति थी, कमेंट करके मेरी वीडियो के विरोध में अपनी आर्गुमेंट्स रखी हैं। तो आइए जरा इनकी आर्गुमेंट्स को देखते हैं। अब जैसे कि ये पीयूष पांडे जी लिखते हैं, साइंस कांट डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स, साइंस आल्सो हैज लिमिटेशंस, इफ समथिंग इज नॉट प्रूवन बाय साइंस इट डजंट मीन दैट थिंग डोंट एग्जिस्ट। ऐसे ही उमेश जी लिखते हैं, यू हैव हाफ नॉलेज, यू कुड नॉट थिंक न्यू और इन्वेंट एनीथिंग बिकॉज यू आर इन अ क्यूब ऑफ नॉलेज विच जनरेटेड बाय अदर्स, आई सजेस्ट यू स्टार्ट ऑफ एंशियंट नॉलेज। ऐसे ही और भी तमाम कमेंट्स आपको मेरी वीडियोस पर पढ़ने को मिल जाएंगे जिनमें कुछ इसी तरह की आर्गुमेंट्स लोगों ने दी हैं। जानते हैं इन सभी आर्गुमेंट्स में एक कॉमन बात क्या है? इन सभी में एक चीज कॉमन है, ये सभी आर्गुमेंट्स वीडियो के अगेंस्ट में कोई तर्क देने की कोशिश करती हैं, पर असल में इनमें से एक भी वीडियो में रखी किसी भी आर्गुमेंट को टारगेट नहीं करती। सिर्फ देखने में ऐसा लगता है कि कमेंट करने वाले ने वीडियो के अगेंस्ट में अपनी आर्गुमेंट दी है, पर असल में ये सभी लॉजिकल फैलसीज हैं। कैसे? अब अगर ये समझना है तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉजिकल फैलसीज क्या होती हैं, मोस्ट कॉमन लॉजिकल फैलसीज कौन कौन सी हैं और इनको कैसे पहचाने, और ये सब मैं बताने वाला हूं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, लॉजिकल फैलसीज का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना भाषा का इतिहास है। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर जैसे सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल ने रीजनिंग में होने वाली कई तरह की गलतियों के बारे में बताया है। जैसे एरिस्टोटल ने ऑन द सोफेस्टिकल रेफ्यूटेशंस में 13 तरह की लॉजिकल फैलसीज के बारे में मेंशन किया है। इसी तरह भारत में न्याय सूत्र में 5 तरह की लॉजिकल फैलसीज के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। पर लॉजिकल फैलसीज की सिस्टमैटिक स्टडी अभी कुछ सेंचुरी पहले ही हो पाई है। डेली लाइफ में अपने स्टेटमेंट्स में लॉजिकल फैलसीज का इस्तेमाल करना हम इंसानों की एक कॉमन टेंडेंसी है जो कि दुनिया के सभी इंसानों में बिना किसी भेदभाव के पाई जाती है, और हम ऐसा जानबूझकर नहीं करते बल्कि अनजाने में हमसे ऐसा हो जाता है, जिसकी वजह है कि लॉजिक से हमारा वास्ता ज्यादा पुराना नहीं। ह्यूमन ब्रेन के एवोल्यूशन को स्टडी करें तो पता चलता है कि हमारा ब्रेन कई लेयर्स में है, जिनमें से कुछ लेयर्स ज्यादा प्रिमिटिव हैं तो कुछ कंपेरेटिवली रीसेंट है। फ्रंटल लोब जो कि लॉजिक एंड रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है कंपेरेटिवली रीसेंट है, और शायद यही वजह है कि लॉजिकल थिंकिंग हमारे लिए इतनी मुश्किल है। फेमस साइंस कम्युनिकेटर एंड राइटर नील डिग्रेस टाइसन का कहना है कि लॉजिकल थिंकिंग हम इंसानों के लिए नेचुरल नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट होता और हमें साइंटिफिक मेथड तक पहुंचने में इतना समय नहीं लगता। और दोस्तों, यही वजह है कि तर्क करना एक स्किल है जिसे हमें प्रैक्टिस से सीखना पड़ता है। ये नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर का हिस्सा नहीं है। इस स्किल से अनजान होने का नतीजा होता है लॉजिकल फैलसीज। वैसे तो लगभग 100 से भी ज्यादा तरह की लॉजिकल फैलसीज हैं, पर आज इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट कॉमन लॉजिकल फैलसीज पर बात करेंगे जिनका यूज हमें डेली लाइफ में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर डिबेट्स में लोग कोई इररेलेवेंट पॉइंट उठाकर डिबेट को मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब उनके ओपोनेंट ने कोई स्ट्रांग आर्गुमेंट रखी होती है जिसका उनके पास कोई काउंटर नहीं होता। ये एक बहुत कॉमन फैलेसी है जिसे आप न्यूज डिबेट्स में अक्सर देखते होंगे। इसे रेड हेरिंग फैलेसी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए। अरे सर, ये सब छोड़िए, धार्मिक कट्टरता कहां धार्मिक कट्टरता को लेकर बैठे हो? ये कोई इतना बड़ा इशू थोड़ी है। रियल इशू है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जिसके लिए सिर्फ हमारे गुरुजी काम कर रहे हैं। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग का कितना बड़ा इंपैक्ट इस दुनिया पर पड़ने वाला है? इसी तरह डिबेट को टॉपिक से डाइवर्ट करने का एक और तरीका है जिसे व्हाट अबाउटरी के नाम से जानते हैं।
ये भी एक फैलेसी है जिसमें ओपोनेंट बजाय आर्गुमेंट को काउंटर करने के उल्टा सवाल दागने लगता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, देखिए सेक्युलरिज्म का पाठ हमें मत पढ़ाइए। आज आप कह रहे हैं कि हिंदुओं के अंदर कट्टरता बढ़ रही है, हाँ? उस समय आप कहां थे जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था? इसी तरह और भी कई तरीके हैं जिनसे डिबेट को टॉपिक से डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है, जैसे एड होमनिम। एड होमनिम फैलेसी उसे कहते हैं जब कोई किसी आर्गुमेंट को टारगेट करने के बजाय उस पर्सन को ही टारगेट करने लगता है, यानी आर्गुमेंट को काउंटर करने के बजाय उस पर्सन पर ही पर्सनल अटैक करने लगना। इसमें होता यह है कि सामने वाला आर्गुमेंट को काउंटर करने के बजाय आर्गुमेंट रखने वाले को ही खारिज करने की कोशिश करने लगता है। ऐसे में अक्सर उस पर्सन पर कोई ना कोई टैग लगाने की कोशिश की जाती है, या उसकी आर्गुमेंट के साथ कोई ना कोई मोटिव अटैच करने की कोशिश की जाती है, या उसका नाम किसी ऐसे संगठन से जोड़ने की कोशिश की जाती है ताकि उसे एक झूठा प्रोपेगेंडिस्ट और अनरिलायबल दिखाया जा सके, या फिर उसे सीधा सीधा मूर्ख, इग्नोरेंट और अनएजुकेटेड भी कह दिया जाता है। और कई बार तो लोग ट्रोलिंग और गाली गलौज पर भी उतर आते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखना हो तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, मेरी किसी भी ऐसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में चले जाइए जिसमें मैंने किसी स्टूडो साइंस को डिबंक किया है या किसी स्पिरिचुअल गुरु को क्रिटिसाइज किया है, आपको भर भर के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। डिबेट को टॉपिक से डाइवर्ट करने का एक और तरीका है एटिमोलॉजिकल फैलेसी। इसमें क्या होता है कि लोग आर्गुमेंट में यूज किए गए किसी वर्ड को पकड़कर उसकी एटिमोलॉजी यानी व्युत्पत्ति में चले जाते हैं, यानी ये शब्द कहां से आया है, इसका रियल मीनिंग क्या है, और फिर बहस कुछ इस तरह की हो जाती है कि आपने ये शब्द इस्तेमाल किया है, क्या आपको इसका सही अर्थ पता है? एग्जाम्पल देखिए, आप धार्मिक कट्टरता पर बात करते हैं, आपको धर्म का सही अर्थ पता है? आपको पता है मनुस्मृति के अनुसार धरती क्षमा दमस्ते सब मिलाकर धर्म का 10 लक्षण बताया गया है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि डिबेट मुद्दे से भटक कर किसी शब्द की डेफिनेशन और एटिमोलॉजी की तरफ चली जाती है। बात हो रही थी धार्मिक कट्टरता पर, जो कि वाकई में समाज में मौजूद एक समस्या है। हम देखते हैं कि धर्म का इस्तेमाल करके लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है, उन्हें कट्टर बनाया जा रहा है। बात इस मुद्दे पर होनी थी लेकिन सामने वाला धर्म शब्द को पकड़कर बैठ गया और डिबेट को इसकी एटिमोलॉजी की तरफ लेकर चला गया, जबकि इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। किसी एक शब्द के कई अलग अलग अर्थ भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी शब्द का इतिहास में अलग अलग समय पर अलग अलग अर्थ रहा हो और वो अर्थ आज के अर्थ से एकदम डिफरेंट भी हो सकता है। पर किसी डिबेट में किसी वर्ड को जिस रेफरेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है, हमें उसी रेफरेंस में उसको लेना चाहिए और उसी के हिसाब से अपनी काउंटर आर्गुमेंट देनी चाहिए। इसी तरह एक और तरीका है जो कि लोग अक्सर डिबेट में अपने ओपोनेंट को कन्फ्यूज करने के लिए अपनाते हैं। इसमें वो किसी चीज की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं देते बल्कि एक वेग डिस्क्रिप्शन ही देते हैं और हर काउंटर के साथ इसे बदलते जाते हैं। इसे डेफिनेशनल रिट्रीट फैलेसी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, गॉड वो है जो कि इस यूनिवर्स का अंतिम कारण है। अच्छा, ये कैसे पता चला? क्योंकि गॉड वो है जो कि तब भी था जब ये यूनिवर्स नहीं था। भाई आपको कैसे पता? क्योंकि गॉड वो है जो कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी शेष रहता है। आपने कैसे जाना? देखिए, गॉड एक एहसास है जिसे आप फील कर सकते हो पर साबित नहीं कर सकते। देखिए, हमारे जितने भी एहसास हैं उनको समझा जा सकता है, लेकिन ये एक ऐसा एहसास है जिसको समझा ही नहीं जा सकता। देखिए, गॉड एक अवस्था का नाम है जिसको समाधि से पाया जा सकता है। अब ये कैसे पता चला? गॉड कोई और नहीं है, आप खुद ही गॉड हो। और वो इंसान बस ऐसे ही इधर से उधर छलांगे मारता रहता है। एक चीज और आपने डिबेट्स में अक्सर देखी होगी, जब कोई किसी चीज में कोई कमी दिखाते हुए उसे क्रिटिसाइज कर रहा होता है तो सामने वाला बजाय उस क्रिटिसिज्म का कोई काउंटर देने के, वो उस कमी को एक्सक्लूड करते हुए उस चीज की अपने मन से एक आइडियल डेफिनेशन पेश करता है और कहता है कि अगर उसमें वो कमी मौजूद है तो उसे फिर वो चीज कहना ही गलत है। फिर भले ही कोई उसे उस चीज की 1000 कमियां दिखाए, लेकिन वो बजाय उन आर्गुमेंट्स को काउंटर करने के हर बार उस कमी को एक्सक्लूड करते हुए सिर्फ एक आइडियल डेफिनेशन पर ही अड़ा रहता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, कोई क्लेम करता है कि आध्यात्मिक लोग कभी कोई अनैतिक काम नहीं करते। अब आप उस आदमी को कुछ ऐसे आध्यात्मिक लोगों का एग्जाम्पल देते हैं जो कि झूठ बोल रहे हैं, तो वो कहने लगता है कि ये सच्चे आध्यात्मिक लोग नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक लोग कभी झूठ नहीं बोलते। फिर आप उसे कुछ ऐसे आध्यात्मिक लोगों का एग्जाम्पल देते हैं जो कि लड़कियों के साथ गलत हरकत करते हुए पकड़े गए, तो फिर वो वही दोहराता है कि ये सच्चे आध्यात्मिक लोग नहीं है, क्योंकि कोई भी सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। इसे नो ट्रू स्कॉटमैन फैलेसी या अपील टू प्योरिटी भी कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो इस्लामिक टेररिज्म पर होने वाली डिबेट्स को देखिए। इन डिबेट्स में जब आतंकवादियों के एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की बात की जाती है तो काउंटर में सुनने को मिलता है कि वो आतंकवादी सच्चे मुसलमान नहीं है। एक सच्चा मुसलमान कभी किसी बेगुनाह का लहू नहीं बहा सकता।
इस्लामिक टेररिज्म एक सच्चाई है, पर इसको लेकर कुछ लोग मुसलमानों को टारगेट करने के लिए एक अलग ही एक्सट्रीम पर चले जाते हैं और वो मुसलमानों को लेकर समाज में एक फियर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पॉलिटिशियंस और धर्मगुरु मुस्लिम्स को टारगेट करते हुए ये कहते हुए भी मिल जाएंगे कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए, वरना कुछ सालों में देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। इसलिए निवेदन है, सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। तो दोस्तों, ये भी एक फैलेसी है जिसे स्लिपरी स्लोप फैलेसी कहते हैं। इस फैलेसी में एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात की जाती है जिसका अगर पहला स्टेप कोई लेता है तो एक चेन ऑफ इवेंट के जरिए उसका आउटकम एक एक्सट्रीम इवेंट होता है। इस फैलेसी में लोग चीजों को अच्छे से समझे और स्टडी किए बिना एक चेन ऑफ इवेंट को इमेजिन कर लेते हैं और फिर जोर देने लगते हैं कि अगर इस चेन ऑफ इवेंट को ट्रिगर किया गया तो इसका आउटकम वही होगा जो कि उन्होंने इमेजिन किया हुआ है। इसी तरह आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कुछ घटनाओं को लेकर या किसी चीज को लेकर अपने कुछ एक्सपीरियंसेस के बेस पर किसी चीज के बारे में एक राय कायम कर लेते हैं या कोई वर्डिक्ट दे देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल शहरों में पढ़े लिखे लोग ये दावा करते हुए आपको बहुत मिल जाएंगे कि अब जातिवाद कहाँ है, हमने तो कभी किसी के साथ जातिवाद नहीं किया और ना ही किसी को करते हुए देखा। यहाँ पर देश भर में आंकड़े क्या कह रहे हैं इसे स्टडी किए बिना अपने कुछ एक्सपीरियंसेस के बेस पर एक राय कायम कर ली गई है। ये भी एक फैलेसी है जिसे हिस्ट्री जनरलाइजेशन फैलेसी कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं उन लोगों में जो कि किसी कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी से आने वाले लोगों के बारे में कोई राय कायम कर लेते हैं कि ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। इसी से मिलती जुलती एक और फैलेसी है जिसे एनेक्डोटल फैलेसी कहते हैं। इस फैलेसी में लोग अपने किसी एक्सपीरियंस को एज अ एविडेंस पेश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि भूत होते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आपके पास इसका क्या सबूत है तो वो कहते हैं कि उनके दादाजी से भूत ने बीड़ी मांगी थी। इसी तरह बहुत तरह की ऐसी थेरेपीज हैं जिनके फेवर में कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, पर आप अपने आसपास तमाम लोगों को ऐसी सलाह देते हुए देख सकते हैं कि फला जड़ी बूटी खाकर देखिए, आपकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी क्योंकि हमारे किसी दूर के रिश्तेदार ने ऐसा किया था और वो ठीक हो गए। कई बार लोग अपनी आर्गुमेंट को स्ट्रांग दिखाने के लिए उसके साथ किसी अथॉरिटी फिगर को कोट करते हैं। जैसे गॉड की एग्जिस्टेंस पर जब डिबेट होती है तो कुछ लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है क्योंकि दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट गॉड की एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं, या फिर उपनिषदों में वाकई में बहुत डीप नॉलेज है क्योंकि कई फेमस साइंटिस्ट ने उपनिषदों की तारीफ की है। तो दोस्तों, ये भी एक फैलेसी है जिसे अपील टू अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। इस फैलेसी में किसी चीज का सबूत देने के बजाय किसी अथॉरिटी को सामने कर दिया जाता है, जबकि किसी आर्गुमेंट की मजबूती इस बात से डिसाइड नहीं होती कि दुनिया में किसी महान इंसान या किसी बहुत इंटेलिजेंट इंसान की उस बारे में क्या राय है। कोई आर्गुमेंट कितनी मजबूत है ये पता चलता है उसके फेवर में दिए गए सबूतों से। कोई साइंटिस्ट गॉड में बिलीव कर सकता है, पर क्या उसके पास गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए कोई सबूत है? अगर सबूत है तो साइंटिस्ट को कोट करने की जरूरत भी नहीं है, आप सबूत दिखा दें काम बन जाएगा। पर अफसोस, सबूत तो है नहीं। जिस तरह आप गॉड की एग्जिस्टेंस में बिना सबूत बिलीव करते हैं वैसे ही वो साइंटिस्ट भी कर रहा है। आफ्टर ऑल, वो भी तो आपकी तरह ही एक इंसान है। भले वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है पर इंसानी कमजोरियां उसके अंदर भी मौजूद है और वो भी हर जगह पर सही नहीं हो सकता। इनफैक्ट, मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे नोबल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट भी हैं जो कि बाद में किसी सूडो साइंस को प्रमोट करते हुए देखे गए, जैसे लीन स्पोलिंग जो कि अमेरिका के साइंटिस्ट थे जिन्हें एक नहीं बल्कि दो दो नोबल प्राइज मिले थे। पर बाद में वो ऑर्थोमोलिकुलर मेडिसिन नाम की एक अल्टरनेटिव थेरेपी जिसे उन्होंने ही इजाद किया था को प्रमोट करने लगे। उनका मानना था कि बहुत सारी बीमारियां विटामिन की हैवी डोज लेने से ठीक की जा सकती हैं, जैसे कोल्ड होने पर विटामिन सी लेने पर कोल्ड ठीक किया जा सकता है, जबकि किसी क्लिनिकल ट्रायल में उनके क्लेम्स आज तक साबित नहीं किए जा सके। इसी तरह एक और नोबल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट है जिनका नाम है लूस मोंटेनियर, जिन्हें HIV वायरस की डिस्कवरी के लिए नोबल प्राइज मिला था, पर बाद में वो एक ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ गए जो कि वाटर में मेमोरी होने का दावा करता था और जो कि पूरी तरह से एक सूडो साइंस थी। तो कहने का मतलब है कि कोई क्लेम किसी फेमस साइंटिस्ट से आ रहा है केवल इतने भर से वो क्लेम वैलिड नहीं हो जाता। कुछ लोग जहां अपनी आर्गुमेंट्स का वजन बढ़ाने के लिए मॉडर्न साइंस का सहारा लेते हैं तो वहीं कुछ लोग इसके लिए अतीत में प्राचीन ज्ञान की शरण में चले जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा ये क्लेम इसलिए वैलिड है क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशन और हमारी एंशियंट नॉलेज से आया है और लोग सदियों से इसे मानते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं। इस फैलेसी को अपील टू ट्रेडिशन या अपील टू एंटिक्विटी भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोग आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर जैसी ट्रेडिशनल थेरेपीज के सपोर्ट में ये आर्गुमेंट रखते हैं कि इन थेरेपीज को भी मॉडर्न मेडिकल साइंस जितना सम्मान दिया जाना चाहिए और मॉडर्न मेडिकल साइंस की ही तरह इन्हें भी एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए क्योंकि लोग सदियों से इनका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यानी इस आर्गुमेंट के अनुसार चूंकि कोई चीज़ हमारे प्राचीन ज्ञान का हिस्सा है,
इसलिए वो सही है, फिर भले उसके फेवर में कोई एविडेंस ना हो। प्राचीन ज्ञान से बात न बने तो कुछ लोग भीड़ का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि देखो इतने सारे लोग इस चीज को सच मानते हैं या इतने सारे लोग इस चीज के फेवर में हैं। जैसे सोशल मीडिया पर आपको कुछ मुस्लिम्स ऐसा क्लेम करते हुए मिल जाएंगे कि इस्लाम ही सच्चा धर्म है क्योंकि ये दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। ये भी एक फैलेसी है जिसे अपील टू पॉपुलैरिटी कहते हैं। असल में कोई चीज सिर्फ इसलिए झूठी या सच्ची नहीं हो जाती क्योंकि बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट में या फेवर में। किसी चीज के सच्चा और झूठा, सही और गलत होने का पैमाना कभी भीड़ नहीं होती बल्कि सबूत होता है। 16वीं सेंचुरी से पहले तक दुनिया में ज्यादातर लोग यही मानते थे कि धरती यूनिवर्स का सेंटर है और पूरा यूनिवर्स इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। पर इतने सारे लोगों के मानने से भी ये बात सच नहीं हो गई। पहले कोपरनिकस और फिर उसके बाद गैलीलियो ने इसे साबित किया कि अर्थ एक प्लैनेट है जो कि बाकी प्लैनेट्स की तरह ही सन के अराउंड अपनी ऑर्बिट में घूमती है। एक और फैलेसी आपको अक्सर देखने को मिलेगी जिसमें लोग ऐसी आर्गुमेंट देते हैं कि ये चीज सही है क्योंकि इसे गलत प्रूव नहीं किया गया है। इस तरह की आर्गुमेंट में लोग अपनी तरफ से कोई क्लेम रख देते हैं और फिर अपने ओपोनेंट से कहते हैं कि वो या तो इसे झूठा सिद्ध करके दिखाए या फिर मान ले कि ये सही है। पर ऐसे क्लेम्स अनफॉल्सिफाइबल होते हैं यानी इन्हें झूठा सिद्ध नहीं किया जा सकता। पर इसका मतलब ये भी नहीं होता कि वो सच है। इसका रीजन है कि ऐसे क्लेम्स उन चीजों के बारे में होते हैं जो कि हमारी नॉलेज और इन्वेस्टिगेशन के दायरे से बाहर है। चूंकि इन क्लेम्स की पड़ताल करना पॉसिबल नहीं है इसलिए ऐसी चीजों के बारे में कुछ भी क्लेम किया जा सकता है। इसे अपील टू इग्नोरेंस कहते हैं। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी हमारी नॉलेज और इन्वेस्टिगेशन के दायरे से बाहर है, जैसे कि वो क्या कॉज था जिसने बिग बैंग को जन्म दिया। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि वो कॉज गॉड था। अब ये क्लेम अनफॉल्सिफाइबल है क्योंकि बिग बैंग से पहले क्या हुआ था वो हमारी नॉलेज और इन्वेस्टिगेशन के दायरे से बाहर है। और अगर कोई चीज हमारी इन्वेस्टिगेशन के दायरे से बाहर है तो इसका मतलब है कि वो सच है या झूठ इसे पता ही नहीं किया जा सकता और इसीलिए ऐसी चीजों के बारे में कोई भी क्लेम करना लॉजिकली गलत है। इसी तरह एक और लॉजिकल फैलेसी है जिसे सर्कुलर रीजनिंग कहते हैं। जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे कि इसमें जहां से आर्गुमेंट की शुरुआत होती है उसका अंत भी वहीं पर जाकर होता है और इस बीच में सारे लॉजिक एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और लास्ट वाला लॉजिक फर्स्ट वाले के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, हमें कुरान में लिखी बातों को बिना शक मानना चाहिए। पर क्यों? अरे क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। पर आपको कैसे पता चला कि ये अल्लाह का कलाम है? अरे क्योंकि कुरान में ऐसा लिखा है ना। कई बार आर्गुमेंट के दौरान ओपोनेंट आपके दिए गए हर तर्क के काउंटर में हाथों हाथ कोई एक ऐसा बहाना तैयार करता जाता है ताकि अपने पक्ष को बचा सके। इसे एड हॉक रेस्क्यू कहते हैं। एड हॉक रेस्क्यू का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कॉल सेगन का ड्रैगन इन द गैराज वाला आर्गुमेंट है जिसमें उनका फ्रेंड ऐसा क्लेम करता है कि उसकी गैराज में एक इनविजिबल ड्रैगन है। कॉल सेगन कहते हैं कि हम गैराज के फ्लोर पर आटा फैला देते हैं ताकि उसके पैरों के निशान बन जाएं और हम कंफर्म हो जाए कि वाकई में यहां पर एक इनविजिबल ड्रैगन है। इस पर उनका दोस्त कहता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो ड्रैगन जमीन पर पैर नहीं रखता, वो तो हवा में तैरता है। तो कार्ल सेगन कहते हैं कि फिर हम गैराज में पेंट स्प्रे करते हैं ताकि इसकी बॉडी से पेंट चिपक जाए और हमें उसका पता चल जाए। वो दोस्त जवाब देता है कि उसकी बॉडी ऐसी है जिससे कुछ भी नहीं चिपकता। फिर सेगन कहते हैं कि तो फिर हम इंफ्रारेड कैमरे लगा देते हैं ताकि उसके मुंह से निकलने वाली आग को वो कैप्चर कर सके। उनका दोस्त फिर एक एक्सक्यूज देता है कि उसके मुंह से निकलने वाली आग गर्म नहीं होती। इस तरह जितने भी तरीके कार्ल सेगन बताते हैं हर किसी के लिए उसके पास कोई ना कोई बहाना तैयार होता है। पर वो अपने क्लेम से टस से मस नहीं होता। इसे ही एड हॉक रेस्क्यू कहते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट को आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करते देख सकते हैं। आपके दिए गए हर सबूत के जवाब में तुरंत ही आपको कोई एक्सक्यूज सुनने को मिल जाता है। जैसे फ्लैट अर्थर्स को आप अर्थ की सैटेलाइट फुटेज दिखाएं तो वो तुरंत ही उसे कंप्यूटर जनरेटेड बता देते हैं। स्पेस मिशंस की बात करें तो वो उसे फर्जी बता देते हैं। साइंस की बात करें तो साइंटिफिक थ्योरीज को भी वो एक कॉन्स्पिरेसी बता देते हैं जो कि पब्लिक को गुमराह करने के लिए तैयार की गई है। कई बार डिबेट्स में लोग किसी आर्गुमेंट को काउंटर करते समय अनजाने में या जानबूझकर पहले उसे गलत ढंग से पेश करते हैं और फिर उसे धराशायी करके खुद को विनर की तरह शो करने लगते हैं। इसे स्ट्रॉमैन फैलेसी कहते हैं। स्ट्रॉमैन क्या होता है ये तो आप सभी जानते ही होंगे। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि वो जो किसान खेत में घास फूस का बना पुतला खड़ा करते हैं जानवरों को भगाने के लिए, जी हाँ उसी को स्ट्रॉमैन कहते हैं। यहां भी स्ट्रॉमैन का मतलब यही है, यानी एक्चुअल आर्गुमेंट को काउंटर करने के बजाय उसका एक स्ट्रॉमैन यानी एक इनएक्यूरेट वर्जन तैयार करना और फिर उसे काउंटर करना। जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का विरोध करने वाले अक्सर एक तर्क देते हैं कि अगर एवोल्यूशन सच है तो आज कोई बंदर इंसान क्यों नहीं बनता।
ये स्ट्रोमैन फैलेसी का एक बेहतरीन एग्जांपल है, क्योंकि इस आर्गुमेंट को देने वाले ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को बिना ठीक से समझे ही काउंटर आर्गुमेंट दे दी है। एक और चीज आपने अक्सर डिबेट्स में देखी होगी, जब लोग आपके सामने दो चॉइसेस रख देते हैं और जोर देकर कहते हैं कि या तो ये होगा या फिर ये होगा, जबकि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं जिनमें ऑप्शन केवल दो नहीं होते बल्कि पॉसिबिलिटीज का एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है। पर आर्गुमेंटर इस चीज की पूरी तरह से अनदेखी करता है और किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ओवर सिंप्लीफाई करके इसे सिर्फ दो ऑप्शंस में बदल देता है। इसे फॉल्स डाइकोटमी कहते हैं, जैसे कि ये कहना कि मोरालिटी या तो ऑब्जेक्टिव है या फिर सब्जेक्टिव। रिलीजियस अपोलोजिस्ट अथीस्ट के अगेंस्ट इस आर्गुमेंट का इस्तेमाल करते अक्सर देखे जा सकते हैं। वो अपने ओपोनेंट से पूछते हैं कि वो मोरालिटी को ऑब्जेक्टिव मानता है या फिर सब्जेक्टिव, जबकि हकीकत यह है कि मोरालिटी को ना तो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव कहा जा सकता है और ना ही सब्जेक्टिव। कुछ मोरल वैल्यूज ज्यादा ऑब्जेक्टिव होती हैं तो कुछ ज्यादा सब्जेक्टिव। जैसे कुछ मोरल वैल्यूज दुनिया की हर सोसाइटी में कॉमन है और लंबे समय से ऐसे ही चलती आ रही हैं, जैसे चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, अपने से बड़ों का रेस्पेक्ट करना वगैरह। इन वैल्यूज को हम ज्यादा ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, जबकि कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो कि समय के साथ बदल रही हैं। जैसे जैसे हमारे समाज के सोचने के ढंग में बदलाव हो रहा है, मोरल वैल्यूज भी बदलती जा रही हैं। जैसे कुछ पीढ़ी पहले तक पॉलीगैमी और चाइल्ड मैरिज को मोरल माना जाता था, जबकि होमोसेक्सुअलिटी और को लिविंग को समाज बुरा मानता था। पर आज नई पीढ़ी पॉलीगैमी और चाइल्ड मैरिज को इमोरल मानती है और होमोसेक्सुअलिटी और को लिविंग को धीरे धीरे एक्सेप्ट करती जा रही है। अगर मोरालिटी पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होती तो ये बदलाव हमें नहीं देखने को मिलता। जिस तरह अभी आपने देखा कि किस तरह लोग चीजों को ओवर सिंप्लीफाई करके उन्हें दो चॉइसेस में बांट देते हैं, वैसे ही कई बार लोग दो डिफरेंट चीजों को ओवर सिंप्लीफाई करके उनमें सिमिलैरिटी दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। इसे फॉल्स इक्विवेलेंस कहते हैं। जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को आपने कहते सुना होगा कि मून की ग्रेविटी की वजह से सी में टाइड्स आते हैं और साइंस बताता है कि हमारे शरीर में भी 70% वाटर है, तो इसका मतलब मून की ग्रेविटी भी हमारे ऊपर जरूर कोई ना कोई इफेक्ट डालती होगी। यहां आप देख सकते हैं चीजों को बिना ठीक से समझे उनका आपस में कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मून की ग्रेविटी केवल पानी पर काम नहीं करती बल्कि हर मैसिव ऑब्जेक्ट पर काम करती है, पर सी में मौजूद पानी की क्वांटिटी चूंकि बहुत ज्यादा है और पानी एक फ्लूइड मैटर है, इसलिए हमें समुद्र में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। पर हमारे शरीर पर मून की ग्रेविटी का इफेक्ट ना के बराबर होता है। ये इफेक्ट इतना कम होता है कि हमारे आसपास मौजूद मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे कि कोई बिल्डिंग या पहाड़ की ग्रेविटी मून की ग्रेविटी से हजारों गुना ज्यादा होती है। तो दोस्तों, ये कुछ मोस्ट कॉमन लॉजिकल फैलेसीज हैं जिनको मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। इनके अलावा और भी बहुत तरह की लॉजिकल फैलेसीज हैं, पर अगर आपने इनको ही अच्छे से समझ लिया तो बाकी को भी आइडेंटिफाई करना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। आगे से जब भी आप किसी डिबेट को सुन रहे हो तो वहां लॉजिकल फैलेसीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ध्यान देंगे, आपकी ये स्किल उतनी ही ज्यादा निखरती जाएगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अंत में सभी मेंबर्स और सपोर्टर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो कि मेरे काम को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करते हैं और जिनके सपोर्ट की वजह से मैं ये कंटेंट आप तक पहुंचा पाता हूं। आप भी अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपसे जल्द होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।